मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड में शनिवार को अवशिष्ट प्रश्नकरण यूनिट ग्राम पंचायत बलिया का उद्घाटन जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार, उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका, प्रखंड समन्वयक रूबी कुमारी, बलिया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार चौधरी, इजरा पंचायत के मुखिया जाहिदा खातून, मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष मिथिलेश झा, मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह सहित प्रखंड एवं पंचायत के कई कर्मी मौजूद थे। फीता काटकर दीप प्रज्वलित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा, लोहिया स्वच्छता अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। गाँव के स्वास्थ्य से सीधा इस स्वच्छता अभियान का संबंध है। आम लोगों को जागरूक करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा, प्रति परिवार उपभोक्ता चार्ज प्रत्येक महीना जमा करना है, जिससे स्वच्छता कर्मियों को मानदेय दिया जा सके। सूखा एवं गीला कचरा को अलग अलग रखने की आवश्यकता है, उसी कचरे के प्रबंधन से खाद का निर्माण किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा, वार्ड में बैठक कर सभी लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि उपभोक्ता चार्ज समय पर प्रतिशीना जमा करेंगे। जिला एवं प्रखंड से आए हुए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए माननीय मुखिया अनिल कुमार चौधरी ने कहा, कचरा प्रसंस्करण यूनिट से पंचायत वासियों के लिए रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। मुखिया अनिल कुमार चौधरी द्वारा जिला पदाधिकारी को मिथिलांचल के पाग एवं दुपट्टा से सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त को बलिया के सरपंच राम रतन राम ने सम्मानित किया, जबकि पंचायती उप मुखिया राम बहादुर द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को एवं समन्वयक रूबी कुमारी को वार्ड सदस्य उषा देवी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधि एवं पंचायत के सभी स्तर के प्रतिनिधि सहित कर्मी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत राज बलिया में WPU का उद्घाटन श्री अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी के द्वारा किया गया। साथ ही उपस्थित विकास आयुक्त महोदय भी थे। ग्राम पंचायत राज बलिया के माननीय मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत के माननीय मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए, स्वच्छता कर्मी भी। और ये WPU कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ विधिवत, और यहाँ पर कचरा संग्रहण हो रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी लोगों को संबोधन किया, उन्होंने बताया भी कि यह कार्यक्रम तब सफल होगा जब लोग सही तरीके से कचरा देंगे और साथ ही मैं जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा WPU के उद्घाटन कैल गए। बहुत खुशी के दिन छे हमारा पंचायत के लेल जे एक उद्घाटन भेल है, और सब अपन बहुमूल्य समय द कऽ एलथ है पंचायत में, एक के लिए आभार प्रकट करे छियन। ई कचरा उठार से पंचायत के स्वच्छता के संग संग स्वस्थ रहनाई सेहो सबक भेटे छे। जो साफ सफाई रहते तो पंचायत के लोग स्वस्थ रहते, बीमारी कम हेते। एहि पर विशेष हम ध्यान द रहल छिए। सबसे पहिल जे छे जे हम पंचायत के पूरा स्वच्छ राखब, एहिके लेल हमरा जे कदम उठाबऽ पड़त से हम कदम उठाएब, पंचायत के स्वच्छ राखब। साथ साथ हम एते जे स्वच्छाकर्मी रखने छिए 25 or 27 जकरा हमरा पेमेंट सेहो करबाक अछि, ओहिके लेल हर परिवार से हमरा यूजर चार्ज वसूली सेहो करबाक अछि। एहिमे हम तमाम पंचायतवासी के अपील करै छियनि जे हमरा यूजर चार्ज में वसूली में सहयोग प्रदान करैत, ओहिके लेल हमर वार्ड सदस्य के सेहो आग्रह करबनि जे ओ एहिमे सहयोग प्रदान करैत। एहि संग अपन बात सम्पन्न करै छी। जय जमा करै इसके लिए ताकि इस कार्यक्रम को चलाया जा सके। एक दिन का 1 रुपया मात्र आता है, और जो कि महत्वपूर्ण दिवालियों से आपको बचाएगा। जो प्लास्टिक का गंभीर जो कचरा है आपके घर से, उसको साफ करेगा, पूरी पंचायत को साफ करेगा। मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवार छूटने ना पाए। सभी लोगों को 30 रुपया प्रति माह का योगदान इसमें करना होगा। हमारे सभी वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मुखिया हैं, सरपंच जी यहाँ उपस्थित हैं इस पंचायत के। इसमें आप सभी लोगों का योगदान इसमें चाहिए। ये नहीं सोचना है कि केवल मुखिया जी का काम है, हमारे को मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला पदाधिकारी महोदय के उपस्थिति में लोग यहाँ पर जन्मदिन का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ की जो पंचायत की टीम, स्वच्छता की टीम, मतलब मैं सर की तरफ से भी और हम लोग जिला स्तर से भी हम लोग बधाई देना चाहेंगे। और जैसा कि अभी सर ने बोला हम लोगों को कि जो WPU का काम है और जो स्वच्छता का काम है, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो काम शुरू कर दिया गया है, राशि उसके लिए जो आई है वो आ गई है। अब आगे उसको निरंतरता उसे बनाए रखने के लिए, एक बार काम शुरू हो गया है उसको लगातार उसमें काम चलता रहे, स्वच्छता कर्मियों का वेतन भुगतान होता रहे, इसके लिए हम सभी को मिल के भागीदारी इसमें लेनी रहती है। और जो डेटा हम लोगों को मिला है उसमें बहुत कम संख्या में इतने घर हैं जो कि अभी जो उपभोक्ता शुल्क है उसका भुगतान कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो डायरेक्शन मिला है सरकार, उसके आधार पर हम लोग
इस महीने से सन प्रत्येक घर से यह राशि हम लोग वसूली करेंगे, और ताकि उसके जो जो डब्ल्यू पी का संचालन के लिए के काम के लिए जो जरूरी है हम लोग की राशि उसका संग्रहण किया जा सके। यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि हैं, फिर से मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी बाकी लोगों को प्रेरित करें। आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जनभागीदारी को लाने में, तो आप लोग भी प्रेरित करें लोगों को। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि लोगों में बदलाव हो रहा है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि स्वच्छता का कितना महत्व है, कितना जरूरी है ये चीज़। तो जो पहले ऐसा हो रहा था कि पहले जाते तो सीधे सीधे नकार दिया जाता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है अभी भी, लेकिन रिलक्टेंसी है और बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं इसमें। जो आम तौर पे जो परसेप्शन है उसमें काफ़ी बेहतर सुझाव हुआ है, वो अभी और सुधारना है उसको, ताकि जो पूरा तो प्रतिशत प्रतिशत है जैसे उपभोक्ता शुल्क जमा करने का, उसको हम लोग जरूर पूरा करें।